नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फ्राइडे पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपक और आज की इस वीडियो में हम साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म खाकी से जुड़ी 21 ऐसी अनसुनी और रोचक बातों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों खाकी 23 जनवरी 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ऐश्वर्य राय, तुषार कपूर और प्रकाश राज जैसे कई बड़े सितारे शामिल थे। फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी जी ने किया था, साथ ही केशु रामसेन ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म का म्यूजिक उस साल काफी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 6 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट हुए थे। राम संपत ने फिल्म का म्यूजिक दिया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 25 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 49 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इतना ही नहीं, यह फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई वीर जारा, मैमुना, धूम और मुझसे शादी करोगी के बाद 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी। खाकी फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म अर्धसत्य से की थी। इस फिल्म में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। इस फिल्म के बाद ही उन्होंने फैसला किया था कि वह अमिताभ बच्चन के साथ एक दिन एक कॉप फिल्म जरूर बनाएंगे और यह सपना उनका करीब 21 साल बाद पूरा हुआ। इस फिल्म में अक्षय कुमार से पहले परेश रावल को साइन किया गया था, लेकिन बाद में मेकर्स ने अपना फैसला बदल लिया और फिल्म में अक्षय कुमार को लिया। फिल्म में जया प्रदा जी का रोल काफी अधिक था, लेकिन शूटिंग के दौरान उनके पिता अचानक बीमार हो गए जिसकी वजह से उनका रोल छोटा करना पड़ा। यही वजह थी कि जया प्रदा को फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर दिखाया गया है। फिल्म के एक सीन की शूटिंग से पहले रिहर्सल के दौरान जीप एक्सीडेंट की वजह से ऐश्वर्य राय और तुषार कपूर को काफी चोट लग गई थी। दरअसल उस सीन में एक जीप उनसे कुछ ही दूरी पर आकर रुक जाती है, लेकिन रिहर्सल के दौरान जीप का ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया जिसकी वजह से ऐश्वर्या और तुषार दोनों को काफी चोट आई थी। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर राम संपत के करियर की यह पहली हिंदी फिल्म थी। इससे पहले इन्होंने साल 2002 में रिलीज हुई इंग्लिश फिल्म लेट्स टॉक में म्यूजिक दिया था। दोस्तों साल 2009 में सत्यमेव जयते नाम से इस फिल्म का एक रीमेक भी बना गया था। तेलुगु भाषा में बनी इस फिल्म में तुषार कपूर वाले किरदार को फीमेल किरदार में बदल दिया गया था। दोस्तों अमिताभ पिछले कई सालों से अपनी सभी फिल्मों में फ्रेंच दाढ़ी में ही नजर आए थे, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी दाढ़ी कटवा दी थी और सिर्फ मूछें ही रखी थी। हालांकि अभी भी वह अपनी फ्रेंच दाढ़ी के साथ ही नजर आते हैं। फिल्म खाकी में डीसीपी यानी अमिताभ बच्चन वाले रोल के लिए सबसे पहले धर्मेंद्र से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया था। फिल्म में एक्टर कमलेश सावंत के किरदार का नाम कमलेश सावंत ही होता है, जिन्होंने फिल्म में कांस्टेबल की भूमिका निभाई थी। दोस्तों खाकी फिल्म के प्रोड्यूसर रामसे ब्रदर्स के करियर की यह सबसे बड़ी फिल्म थी, क्योंकि इससे पहले इन्होंने काफी लो बजट की फिल्में बनाई थी। दोस्तों फिल्म में अजय देवगन को सबसे पहले शेखर वर्मा यानी अक्षय कुमार वाला किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन अजय देवगन को नेगेटिव किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया, इसलिए उन्होंने लीड रोल ठुकरा दिया। फिल्म की कास्टिंग के दौरान तुषार कपूर वाला किरदार सबसे पहले अक्षय खन्ना को ऑफर हुआ था, लेकिन फिल्म के एक सीन में उन्हें अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उन्हें काफी अपमानजनक लगा, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। अगर अक्षय खन्ना इस फिल्म को साइन कर लेते तो फिल्म की स्टार कास्ट के अधिकांश नाम ए लेटर से ही शुरू होते, जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना, अतुल कुलकर्णी, अश्विनी कालशेखर और अबीर गोस्वामी। है ना कमाल की बात। फिल्म में लारा दत्ता ने ऐसा जादू गाने पर आइटम नंबर किया था, जो उस साल बहुत बड़ा हिट रहा था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लारा से पहले कोयना मित्रा को इस गाने का ऑफर दिया गया था, लेकिन कोयना ने इस आइटम नंबर को करने के लिए मना कर दिया था। गैस अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस तनुजा इस फिल्म में करीब 22 साल बाद एक साथ नजर आए थे। इससे पहले ये दोनों साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म खुद्दार में एक साथ नजर आए थे। आपको बता दें खाकी के अलावा अक्षय कुमार और अजय देवगन ने साथ में साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म सुहाग और साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म इंसान में एक साथ काम किया है। ये दोनों रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में भी एक साथ नजर आने वाले हैं, लेकिन इस फिल्म में अजय देवगन सिर्फ कैमियो करते नजर आएंगे। फिल्म खाकी में अजय देवगन ने एक नेगेटिव किरदार निभाया था, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इससे पहले भी अजय देवगन साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म दीवानगी में भी नेगेटिव किरदार निभा चुके हैं। दोस्तों इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार प्रकाश राज ने एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीकांत नायडू का किरदार निभाया था।
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म में इनकी ओरिजिनल आवाज नहीं है, बल्कि इनकी आवाज को हिंदी में डब किया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगली वीडियो आप कौन सी मूवी पर चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।